दोस्तों, तथाकथित बाबा रामदेव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पतंजलि घी को लेकर जांच में पाया गया कि यह लोगों के लिए हानिकारक है। लेकिन दोस्तों, ये खबर आपको कोई भी गोदी मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि पतंजलि प्रोडक्ट के विज्ञापन के जरिए उनका चैनल चलता है। आप किसी भी चैनल पर देखेंगे तो उनके किसी न किसी प्रोडक्ट की हेडलाइन आपको ज़रूर दिख जाएगी। वहीं भारत समाचार की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें कि पतंजलि गाय के घी का सैंपल प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावट के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। वहीं आगे देख सकते हैं, बताया गया है कि उत्तराखंड प्रदेश की बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया है। यह सैंपल राज्य की प्रयोगशाला के बाद केंद्रीय प्रयोगशाला में भी सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद टिहरी जनपद के खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा पतंजलि कंपनी के खिलाफ ADM कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। वहीं आगे कहा गया है, बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा साल 2021 में दीपावली के पर्व पर टिहरी जनपद के घनसाली में एक दुकान के सैंपल भरा गया था, जिसके बाद सैंपल को राज्य की प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेजा गया तो सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद खाद्य संरक्षा विभाग के द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किया तो कंपनी ने राज्य की लेबोरेटरी को रिपोर्ट को गलत साबित किया, जिसके बाद फिर से खाद्य संरक्षा विभाग के द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला में सैंपल भेजा गया तो केंद्रीय प्रयोगशाला में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद खाद्य संरक्षा विभाग कंपनी के खिलाफ टिहरी के ADM कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। खाद्य संरक्षा अभिहित अधिकारी AMN जोशी ने कहा कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि घी में मिलावट और घी मानकों के अनुरूप न मिलने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।